हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें क्या सारे के सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं? मैं आज जो बताने वाला हूँ वो एक तरीके का ट्रिक बताऊँगा कि आपके ना आते, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं काफ़ी देर से ये सोच रहा था कि इस वीडियो पर मैं बात करूँ आप लोगों से इस टॉपिक पर। मैं एक बात बताऊँ आपको कि अगर आप इस वीडियो को इसलिए देखने आए हैं कि बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है और उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके, जैसे कि मॉक टेस्ट बहुत लोग लगा रहे हैं, उनके मार्क्स जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं या मार्क्स जो है उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है। तुक्का लगाने का मतलब एक तरीके की स्ट्रेटजी होती है। हम सिर्फ पढ़ाई करके ही नहीं पास हो सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है चीज़ों को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ताकि हम बेहतर नंबर ला पाएं। सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपर्स को आते ही नहीं रहते, कि अगर 200 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है तो वो 200 के 200 उन्हें आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं जिससे उनके मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, उसके लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं अलग अलग पार्ट पे बात करूंगा, मैं जीएस के लिए अलग बताऊंगा, रीजनिंग के लिए अलग बताऊंगा और इंग्लिश के लिए अलग बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं जीएस की। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम बाकी भी है, आप इसे मॉक टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एक दो मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखिए और फिर ये कंपेयर कीजिए कि जो मॉक टेस्ट मैंने पहले दिया था और जो मॉक टेस्ट मैंने आज दिया है, क्या दोनों में अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तुक्का लगाने या एक स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सबसे पहली भूमिका होती है माइनस मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कर देंगे तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मान करके चलिए कि आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। कैसा रिस्क, किस किस पार्ट में लेना है, मैं ये भी बताऊंगा। सभी पार्ट की अलग अलग तरीके होते हैं अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन, मैं ये भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीएस की। जीएस में आपको ये करना है कि आप सपोज कोई भी चार ऑप्शन आपको मिले, एक क्वेश्चन मिला और उसके चार ऑप्शन मिले कि कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है, यूनिट होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, और चार ऑप्शन आपको मिल गए, है ना। तो आपको ऑप्शन कट मेथड अपनाना है कि पहला तो कतई नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, तीसरे और चौथे में से कोई एक लग रहा है, ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं, है ना। ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं, किसी दो ऑप्शन में से आपको चूज करना है तो आपको जो ज्यादा सही लगता है उसको आप चूज कर लीजिएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि चारों ऑप्शन में से जब तक उन्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा वो नहीं लगाएंगे, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। अगर एक भी ऑप्शन कट जा रहा है और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये काम आप कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आता है जीएस का, आप पहले दो तीन, एक ऑप्शन कट कीजिए, दूसरा कट कीजिए, अगर दो तीन ऑप्शन कट होते हैं तब तो चौथा सही हो जाएगा, तब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर दो ऑप्शन भी कट हो जाते हैं और दो में आपको लगाना है कि कौन सा लगाएं, तो आप जो ज्यादा बेहतर आपको उस समय आपका मन कह रहा हो उस हिसाब से लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चीजें हमारे द्वारा अगर पढ़ी गई हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहती हैं, हमें वही ऑप्शन सही लगता है जो हमने पढ़ा हुआ होता है पहले कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें जीएस में, है ना। ऐसा भी होता है कि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हमने कभी सुना ही नहीं है, तो भाई मेरे, जब कभी आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं है तो उसे अटेम्प्ट मत कीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपने उस क्वेश्चन के बारे में कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, उसे साइड कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो कि ए होगा या बी होगा, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप एक ऑप्शन भी कट हो रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन ही नहीं है, फालतू के क्वेश्चन, मतलब कोई इधर उधर के क्वेश्चन आ गए हैं और आपने अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, तो जीएस के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और उन चार ऑप्शन में से आपको ये लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे कि जीएस में कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कार्य का मात्रक है, वर्ग की यूनिट क्या होती है, अब उसमें कैलोरी दे दिया, जूल दे दिया, है ना, कूलाम दे दिया, एम्पियर दे दिया, आप इतना सस्ता आंसर ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाते हैं वो लोग। फिर आपको क्या करना है इसमें, फिर आपको किसी दो ऑप्शन को कट करना है, तीन कट कर लेंगे तो एक सही हो जाएगा, वो तो उसके लिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ, वो तो आपका अपना सेफ स्कोर होगा। लेकिन अगर आपके दो ऑप्शन भी कट जाते हैं और दो में कन्फ्यूजन रहता है तो उस ऑप्शन को छोड़िएगा नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। कि दो में से अगर कोई एक आपको लग रहा है कि ये सही है, होता नहीं कि मेरे मन के अंदर से आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है, हमें वही ऑप्शन लगता है जो सही होता है अधिकतर, ठीक है। तो वहां आप रिस्क ले सकते हैं, ये कोई रिस्क नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये एक तरीके का स्मार्ट टेक्निक कही जाएगी। रिस्क वहां कही जाएगी जहां पर आपको एक ऑप्शन
लग रहा है कि ये तो कतई नहीं होगा, और बाकी तीनों में से कोई एक हो सकता है, कोई एक लग रहा है कि ये तो कतई नहीं होने वाला है, ठीक है, बाकी तीन में से हमें कंफ्यूजन है, तो आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहें वहां तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर चार पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सही ना हो 10 में से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, किस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में, अपने पूरी लाइफ में पढ़ा ही ना हो, सुना ही ना हो, चारों ऑप्शन में से चारों आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हो, चारों ऑप्शन में से एक का भी आपको कट करने का आंसर, आपके आपने उसको कट करने के बारे में सोचा ही नहीं है, फिर उसे अटेम्प्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल कतई सिरे से खारिज कर दीजिएगा उसे। दूसरी बात आती है, तो जीएस में क्या करना है, मैंने दो चीजें बताई, तीन चीजें बताई, पहला किसे नहीं कर, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आपने कभी सुना नहीं है, जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपको लगता है कि ये मेरे बस का क्वेश्चन ही नहीं है, उसे आप साइड कर दीजिएगा, उसे मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट कौन सा करना है आपको, एक ऑप, दो ऑप्शन कट कीजिए, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो जरूर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है। तीसरा वाला ये आपके ऊपर है कि अगर दो, एक ही ऑप्शन कट रहा है और तीन में रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपके ऊपर है, हो सकता है उस क्वेश्चन गलत हो या सही हो, लेकिन आप 10 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं होगा कि दो तीन क्वेश्चन सही नहीं जाएगा इस तरीके से, लेकिन ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर दो क्वेश्चन में से कोई एक गलत हो रहे हैं तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये आप अभी ट्राई कर सकते हैं, अभी टाइम है, मॉक टेस्ट आने वाला है, मॉक टेस्ट दीजिए और इसे ट्राई कीजिए इस मेथड को, और अगर सही जाता है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को, इस ट्रिक को हम एग्जाम में अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई आप मॉक टेस्ट दीजिए और इस ट्रिक को मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए, ठीक है। दूसरी बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या करें, रीजनिंग में मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा तुक्का या ट्रिक या थोड़ी सी टेक्निकलिटी अपनाने से कोई मतलब नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर दो ऑप्शन में कोई एक लग रहा है, ठीक है, तो लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा, ये मेरा कहना है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि रीजनिंग में आप मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं, रीजनिंग के लगा रहे हैं, तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, उसमें कंफ्यूजन बहुत कम होती है कि दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। अगर ऐसा आप कट कर ले जाते हैं किसी क्वेश्चन में तो आप ऐसा कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो रीजनिंग जितना आ रहा है आपको उतना लगाइए, अगर आपके तीन ऑफ दो ऑप्शन कट जा रहे हैं और आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वरना रीजनिंग में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। जीएस में आप कर सकते हैं और सेम टेक्निक आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश में आपको मालूम रहेगा कि जैसे एरर का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, आपको मालूम है कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ, आर्टिकल है, उसके बाद नाउन है, फिर वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, तो या तो तीसरा होगा या नो एरर होगा, ऐसी कंडीशन में आप लगा दीजिएगा ऑप्शन को, ठीक है। ये काम जरूर करें आप, कि ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन को जरूर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन आपके दो कट जा रहे हैं तो आप जरूर लगाइएगा, अगर एक भी कट जा रहे हैं और आपको लेना है रिस्क तो ले लीजिएगा, वरना दो ऑप्शन पे आप तो बिल्कुल सेफ रिस्क ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते रहते हैं, फिर भी लोग पास हो जाते हैं, फिर भी लोग अच्छे मार्क्स ले आते हैं, है ना, तो ये तरीका आप अपनाइए। अभी आपको माइनस मार्किंग आपकी 1/3 हो गई थी, लेकिन 1/4 फिर से हो गई है, तो इसका फायदा उठाइए, अभी अभी आपको फायदा उठाना है इस बात का, तो आप उठाइए फायदा इन बातों का, ठीक है। तो इंग्लिश में वो क्या नाम है, रीजनिंग, इंग्लिश में आप ये काम जरूर कर लीजिएगा, दो ऑप्शन कट रहे हैं तुरंत लगाइए, आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है इससे, इन दोनों ऑप्शन में से, तो ये वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, जरूर ये काम कीजिए, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 154 अटेम्प्ट करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा 152 नंबर आ जाए, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात आप दिक्कत आप अपने सामने खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैं इम्पॉसिबल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप काफी ज्यादा दिक्कत अपने लिए खड़ी कर रहे हैं इस बात को लेकर के, तो आप ये कीजिए कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए ताकि मार्क्स आपके ज्यादा आए, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। काफी लोग मेरे बात से एग्री होंगे और काफी लोग डिसएग्री भी होंगे, ठीक है, मैं मानता हूं काफी लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे मेरे, लेकिन भाई मेरे आप एग्री ना करो, भले ना करो, लेकिन एक बार जाकर के आप मॉक टेस्ट इस तरह से दीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, और आपको जरूर फायदा मिलेगा। पिछली बार का एक एक बात है, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जीएस में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन में से मुश्किल से पांच या छह क्वेश्चन ही मुझे सही आंसर मालूम रहता है, बाकी मालूम ही नहीं रहता है, अब बताइए क्या करें। तो भाई मैंने उसे बताया और उसके मार्क्स 25 या 26 से अप्रॉक्स आए इस तरह से, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा आप, यहां से फायदा होगा, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, नंबर ज्यादा आएंगे, लेकिन किस तरह से अटेम्प्ट करना है इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सो ऐसा इतना बड़ा कौन 30 मार्क हो गया है भाई कि 200 क्वेश्चन में से सिर्फ दो क्वेश्चन गलत होगा, बाकी गलत ही नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो ऐसा अट्रैक्ट मत कीजिए आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, एग्जाम की हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं, तो वो सब होंगी, ऐसे 4 5 6 7 क्वेश्चन गलत
होंगे, है ना। तो ये मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह से कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है आप, और इन सभी चीजों को, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो वापस आ करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ करने के लिए आपको, ठीक है ना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जब अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद आकर के लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो अप्लाई करने के बाद आकर के सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें।